हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ कि दौड़ को स्टार्ट करते समय कौन कौन से कमांड दिए जाते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं दौड़ों को स्टार्ट करते समय स्टार्टिंग पोजीशन क्या होता है, जैसे कि क्राउच स्टार्ट यानी सिटिंग स्टार्ट, स्टैंडिंग स्टार्ट, इसके बारे में वीडियो बना चुकी हूँ। इसको जानने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो वॉच कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे सभी वीडियो को वॉच करके अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि दौड़ों को स्टार्ट करते समय कौन कौन से कमांड दिए जाते हैं। वीडियो छोटा है पर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत लोग इसमें कन्फ्यूज रहते हैं, तो आज कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि दौड़ों को स्टार्ट करते समय कौन कौन से कमांड दिए जाते हैं, तो इसमें दौड़ जो है स्प्रिंट दौड़ में तीन कमांड दिए जाते हैं। स्प्रिंट दौड़ में तीन कमांड दिए जाते हैं एंड मध्यम और लंबी दूरी की दौड़ों में दो कमांड दिए जाते हैं। स्प्रिंट दौड़ों में कौन कौन सी दौड़ आती हैं, यानी जो तेज गति की दौड़ें होती हैं, जैसे कि 100, 200, 400 मीटर रेस में, एंड मध्यम व लंबी दूरी की दौड़ों में दो कमांड दिए जाते हैं। मध्यम दूरी की दौड़ों में 800-1500 मीटर एंड लंबी दूरी में 3000-5000-10000 मीटर की दौड़ें आती हैं। तो स्प्रिंट दौड़ों में तीन कमांड एंड मध्यम लंबी दूरी की दौड़ों में दो कमांड दिए जाते हैं। देखते हैं कि स्प्रिंट दौड़ों में दो कमांड कौन कौन से दिए जाते हैं। दोस्तों, स्प्रिंट दौड़ों में तीन कमांड एथलीट ऑन योर मार्क सेट एंड गो यानी गन फायर, तीन कमांड दिए जाते हैं। एथलीट ऑन योर मार्क कहते ही जो एथलीट होता है, जो स्टार्टिंग लाइन होता है, उसके पीछे आकर के ब्लॉकों पर अपना पोजीशन बनाने के लिए तैयार हो जाता है। एंड जो सेट कहता है, सेट कहते ही वो अपनी बॉडी पोजीशन को पूरा बना लेता है एंड अपने उंगलियों को, हाथों की उंगलियों को भी शेप में करके जमीन पर रखता है एंड एक पैर को एक ब्लॉक पे, आगे वाले ब्लॉक पे एंड दूसरे पैर को पीछे वाले ब्लॉक पे रखता है। इस प्रकार उसका टोटल बॉडी वेट जो होता है शोल्डर व हाथों पर होता है। सेट पोजीशन में टोटल बॉडी वेट कहाँ पे होता है, हाथों कंधों पर होता है, यानी शोल्डर व हाथों पर होता है। और उसका जो बैलेंस होता है अस्थिर होता है, यानी गतिशील होता है, यदि पीछे से कोई उसको धक्का दे दिया तुरंत गिर जाएगा, इस तरह का पोजीशन होता है सेट में। यानी सेट का से अर्थ ही हो रहा है कि वो सेट हो जाता है अपनी पोजीशन में। तो इस प्रकार सेट की अवस्था में टोटल बॉडी वेट शोल्डर व हाथों पर होता है, बैलेंस जो होता है अस्थिर या गतिशील होता है। दोस्तों, कई बार पूछा जाता है कि पोजीशन लेते समय सेट की अवस्था में बॉडी पोजीशन कैसा रहता है, उसका बैलेंस कैसा रहता है, तो अस्थिर गतिशील होता है। उसका बॉडी वेट का टोटल बॉडी वेट कहाँ होता है, तो शोल्डर व हाथों पर होता है। एंड तीसरा कमांड होता है गन फायर यानी गो। जो ही गन फायर होता है, सेट के 3 सेकेंड के अंदर गन फायर किया जाता है, जैसा कि चित्र में दिख रहा है कि ऑन योर मार्क पे क्या स्थिति है, सेट पे क्या स्थिति है, गन फायर पे क्या स्थिति है। तो गन फायर जो होता है वो सेट कहने के 3 सेकेंड के अंदर गन फायर हो जाता है, यानी कि 3 सेकेंड में अपनी पूरी बॉडी पोजीशन को उसको बना लेना है, सेट हो जाना है दौड़ने के लिए। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि सेट के कितने समय बाद गन फायर किया जाता है, 3 सेकेंड के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मध्यम और लंबी दूरी की दौड़ों में दो कमांड कौन दिए जाते हैं। तो इसमें दो कमांड ऑन योर मार्क एंड गन फायर एंड गो दिया जाता है, सेट नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें स्टैंडिंग स्टार्ट होता है और स्प्रिंट दौड़ों में क्राउच स्टार्ट यानी सिटिंग स्टार्ट होता है बैठकर, उसमें ब्लॉक होता है एंड मध्य और लंबी दूरी की दौड़ों में ब्लॉक नहीं होती हैं, इसलिए इसमें सेट पोजीशन नहीं होता है। ऑन योर मार्क एंड गो यानी गन फायर दो ही कमांड होते हैं।
दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो फाउल होता है दौड़ते समय स्टार्ट करते समय, तो प्रथम फाउल ही अंतिम फाउल होता है। यानी कि जब कोई एक फाउल कर देता है तो सभी बाहर हो जाते हैं। बट नए नियम के अनुसार, बट पुराने नियम में क्या होता था कि जब कोई एक बार फाउल किया तो उसे प्रथम फाउल मान लिया जाता था, दोबारा किसी के भी फाउल होने पर उसे सबको बाहर होना पड़ता था। लेकिन अब नए नियम के अनुसार प्रथम फाउल ही अंतिम फाउल है, इसको आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों ये था दौड़ को स्टार्ट करते समय कौन कौन से कमांड किन किन दिया जाता है। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मैं आपको अच्छे से समझा पाई होंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों या ग्रुपों में शेयर कीजिए, जिससे मुझे एक नया मोटिवेशन मिल सके और मैं आगे अन्य वीडियो को आपके सामने अच्छे से प्रस्तुत कर सकूँ। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो दौड़ों की फिनिशिंग कैसे होती है, कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में वीडियो होगा। दोस्तों यदि आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।